जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मिस्टर स्कैल्पर की एक नई वीडियो में और मैं हूं आप सभी का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HDFC बैंक के बारे में। उसके Q3 2021 के रिजल्ट्स फाइनली आ चुके हैं, तो इस वीडियो में हम पहले तो रिजल्ट्स को चेक करेंगे, किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा है बैंक का। रिजल्ट उम्मीद से अच्छे आए हैं ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, तो देखते हैं रिजल्ट में हमें क्या मिलता है। साथ ही में रिजल्ट चेक करने के बाद, फंडामेंटली एक बार स्टॉक को देखने के बाद, हम लोग चार्ट चेक करेंगे कि किस प्रकार से मोमेंटम हमें मंडे को देखने को मिल सकता है। न्यूज़ नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है रिजल्ट पर, रिजल्ट जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है या फिर पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें हमें देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मिस्टर स्कैल्पर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा सब्सक्राइब बटन का, और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आपको रोज़ाना मिलती रहे। साथ ही में अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलती रहती हैं इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो वो भी आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, मैं HDFC बैंक का आज अभी बहुत ही इमीडिएट इफ़ेक्ट से रिज़ल्ट आया है वो हमें देखना होगा। जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं संतोष हल्दांकर जी, उन्होंने साइन करके ये रिज़ल्ट सामने रखे हैं। तो सबसे पहले अब बाकी सारी बातें बाद में करते हैं, रिज़ल्ट की तरफ देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट कितना अर्नड हुआ है। अगर हम इंटरेस्ट अर्नड की बात अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले बार से इंटरेस्ट जो है इस बार ज़्यादा अर्न हुआ है, ये बहुत अच्छी बात हम कह सकते हैं। इसमें रिज़ल्ट में सबसे पहली चीज़ जो हमें दिख रही है, इंटरेस्ट ज़्यादा है, ज़्यादा कमाई हुई है बैंक की। इंटरेस्ट जो कमाई होती है वो काफ़ी अच्छी बात है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें इनकम की, तो अदर इनकम की बात करें, अदर इनकम जो है वो पिछली बार से ज़्यादा आई है, ये भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट, इसे भी हम काफ़ी अच्छा मानते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 6,09,245 यहाँ पे है, और यहाँ पे है 7,44,322 रुपए, अगर हम यहाँ 22 करोड़ रुपए अगर हम यहाँ पे बात करें। तो अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टोटल इनकम में भी हमें ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो अभी तक हमने जितने भी फैक्टर्स देखे हैं रिज़ल्ट में HDFC बैंक के, वो सारे अच्छे आए हैं। इंटरेस्ट की अगर बात करें तो वो भी बढ़ा है, अगर हम अदर इनकम की बात करें तो वो भी इंक्रीज़ हुई है, टोटल इनकम की बात करें तो वो भी इंक्रीज़ हुई है, ये लास्ट क्वार्टर से इंक्रीज़ हुई है। साथ ही में पिछले साल से भी अगर हम कंपेयर करें, जो इसी क्वार्टर में लास्ट ईयर का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तो उससे भी बेटर अर्निंग के इनकम के आंकड़े आए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब हम नीचे की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब देखिए एक्सपेंसेस बढ़े हैं, ये तब चिंता की बात होगी जब आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे मगर रिज़ल्ट में जो है इनकम इंक्रीज़ नहीं होगी। ठीक है, अगर इनकम इंक्रीज़ हो रही है मगर जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहे हैं, ठीक है, लास्ट ईयर अगर आप देखें तो इतने एक्सपेंसेस हुए थे लास्ट क्वार्टर में, इतने हुए थे और इस बार बढ़ के आए हैं, ठीक है, बढ़ के आए हैं, मगर जो है हमारे जो HDFC बैंक की टोटल इनकम है वो भी इंक्रीज़ हुई है, वो भी हमें ध्यान में रखना होगा। टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो लगभग बराबर ही आया है, बल्कि पिछले बार से कम एक्सपेंडिचर हुआ है, जो कि अनुमान थे उनके आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर से भी ज़्यादा आया है, प्लस लास्ट क्वार्टर से भी हमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है HDFC बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, वो भी बहुत पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिल रहा है HDFC बैंक में। प्रॉफिट लॉस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट ईयर का जो यही सेम क्वार्टर था और लास्ट क्वार्टर से दोनों से ज़्यादा अच्छे नंबर्स हमें प्रॉफिट और लॉस में, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स में देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट अगर हम बात करें आफ्टर टैक्सेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हम कह सकते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ भाई, इनकम हो गई, एक्सपेंसेस हो गए, एक्सपेंसेस बढ़े हुए थे तो उससे क्या प्रॉफिट में फ़र्क पड़ा, बिल्कुल नहीं दोस्तों। पिछली बार से ज़्यादा, पिछले क्वार्टर से ज़्यादा इस बार ज़बरदस्त प्रॉफिट के साथ HDFC बैंक 18% ग्रोथ के साथ हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ज़बरदस्त नंबर हमें HDFC बैंक की तरफ से आते हुए देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं NPAs की, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू इस वक्त बैंक्स के लिए जो बना हुआ है। NPA की अगर बात करें, ग्रॉस NPA, ये आप देख रहे हैं ना,
लास्ट ईयर से अच्छे एनपीए, लास्ट क्वार्टर से कम एनपीए है, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन होता है किसी भी बैंक के लिए। नेट एनपीए की बात करें तो 1.42% थे लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर जो हुआ था सितंबर वाला उसमें 1.08% थे, और इस क्वार्टर में 0.81% के नेट एनपीएज हुए हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन हमें दोबारा दिखा रहा है एचडीएफसी बैंक के लिए। तो नंबर भाई ज़बरदस्त नंबर है, मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी ज़्यादा बेहतरीन नंबर हमें एचडीएफसी बैंक में देखने को मिले हैं। अब देखते हैं, हम चार्ट चेक करते हैं और चार्ट में देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स आगे आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं। चार्ट में अगर हम देखें तो मैंने आपके लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम जो है वो खोल के रखा हुआ है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि एचडीएफसी बैंक जो है वो इस वक्त ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम जो है वो आपके लिए खोला हुआ है। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, पिछले कुछ दिनों में जब भी बाइंग आई है तो वॉल्यूम्स की कैंडल आप नीचे ज़रा गौर कीजिएगा, वॉल्यूम देखिए कितना ज़बरदस्त है बाइंग साइड में, ठीक है। सेलिंग वॉल्यूम बहुत लो होता है, मगर बाइंग वॉल्यूम काफ़ी अच्छा हमें कुछ दिनों में देखने को मिला है। पहली चीज़ तो रिज़ल्ट अच्छे आएंगे, ये चीज़ पहले से ही कुछ लोगों को पता थी, एक्सपेक्टेशंस पहले से ही लोगों को अच्छे रिज़ल्ट की थी। अब आपको कुछ लेवल्स जो हैं उनको ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर मैं यहाँ पर आपके लिए एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में, और उसके बाद जो सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो मैं आपके लिए ये बना देता हूँ। ये सपोर्ट देखिए, इस ये जो अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है ना, इसने इतनी बार 1, 2, 3, 4 बार रेजिस्टेंस दिया है, वापस एचडीएफसी बैंक के चार्ट को यहाँ से नीचे जाना पड़ा था। तो अब यही सपोर्ट का काम बहुत अच्छे तरीके से एक डबल सपोर्ट की तरह कर रहा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर कल एचडीएफसी बैंक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और इस कैंडल का हाई जो है 147172 ट्रेड करता है, तो ये दोबारा पहला टारगेट जो है 1488 और दूसरा ऑल टाइम हाई जो है 1500 के टारगेट दोबारा एचडीएफसी बैंक में हमें देखने को मिल सकते हैं। मगर देखिए, ये जो इसका सपोर्ट है ना 1444, इस सपोर्ट को जो है वो लिख के रख लीजिए, क्योंकि अगर एचडीएफसी बैंक ने, क्या होता है कि रिज़ल्ट से पहले लोग बाइंग करते हैं और रिज़ल्ट के बाद जो है अच्छे रिजल्ट्स पर सेल करते हैं अपने स्टॉक्स जो बिगर हैंड्स होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि रिज़ल्ट अच्छे आए हैं तो उसके बाद सेलिंग आ सकती है। अगर सेलिंग आती है, जब तक 1444 का लेवल वॉयलेट नहीं होता है तब तक आप आराम से देख सकते हैं, 1440 तक आप डिप में बाइंग करिए एचडीएफसी बैंक की। अगर 1440 का लेवल एचडीएफसी बैंक नीचे की साइड निकालता है तो इसमें एक बड़ी गिरावट आ सकती है, जो आपको पहला टारगेट जो देके जाएगी वो 1400 का लेवल हमें जो है देखने को मिल सकता है। चार्ट के ऊपर 1400 का लेवल तक गिरावट आ सकती है, तो इन लेवल्स का ध्यान रखिए। रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं, अब ये मार्केट पर डिपेंड करेगा, साथ ही में वर्ल्ड मार्केट की तो बात रही है कि किस प्रकार का इस रिज़ल्ट पे मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, पॉजिटिव साइड या फिर नेगेटिव साइड। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम।